हेलो स्टूडेंट्स इस क्लास में मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की लास्ट यूनिट जिसका नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया और कंपैरिजन विद नेबर्स पढ़ाने वाला हूं इस यूनिट को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है पार्ट वन में मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा चाइना और इंडिया की जो इकॉनॉमी है उसका और साथ में पाकिस्तान की इकोनॉमी का फिर पार्ट टू में जो इम्पोर्टेंट डेटा है और उससे रिलेटेड जो ट्रेंड्स हैं पिछले साठ सत्तर वर्षों के तीनों कंट्रीज के बारे में उन पर चर्चा करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं इस यूनिट से कौन कौन सा डेटा जो है याद करना है उसके बारे में बात करें क्योंकि डेटा बहुत है इस यूनिट में और सारा डेटा याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन बिना डेटा याद किए भी काम नहीं चलेगा सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो यूनिट है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के जो ट्रेंड्स हैं डेवलपमेंट के वो आपने पिछली यूनिट्स में पढ़े हुए होते हैं इस यूनिट में बेसिकली इंडिया के बारे में पढ़ने के बाद हम कंपेयर करते हैं इंडिया की जो दो लार्जेस्ट नेबर कंट्रीज़ हैं चाइना और पाकिस्तान उनके साथ इंडिया के एक्सपीरियंसिस को कंपेयर करते हैं ये कंपेयर करने की जरूरत क्यों पड़ी तो हम बात कर रहे हैं नीड फॉर कंपेरिजन ऑफ डेवलपमेंट एक्सपीरियंसिस तो ये कंपेरिजन करने का पहला रीज़न है टू रियलाइज देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कि जो कंट्री है अगर वो कंपैरिजन करती है दूसरे अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ तो उसको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का आइडिया हो जाता है वो देख लेते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो हम देखते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे उनकी क्या स्ट्रेंथ रही क्या वीकनेसेस रही उन्होंने क्या चीज़ हमसे अच्छी करी क्या चीज़ वो हमसे बुरी कर पाए उससे हम कंपेयर कर सकते हैं इंडिया का सेकेंड पॉइंट है टू बेटर फेस द कॉम्पटिशन फेस्ड फ्रॉम डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग नेशन तो हर कंट्री को कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है वो डेवलप्ड कंट्री से तो करना ही है क्योंकि उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी है उनके पास बेटर प्रोडक्ट है सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है बांग्लादेश है पाकिस्तान है उनकी ऑलमोस्ट सिमिलर टेक्नोलॉजी है सिमिलर लिटरेसी रेट है तो हमारी जो प्रोडक्ट स्ट्रेंथ है जो किस तरह के उत्पादन हम करते हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं तो एक ही तरह की मार्केट में हमारा कंपटीशन भी होता है तो इसके लिए बेटर प्रिपेयर हो सकते हैं अगर हम दूसरे के बारे में अगर स्टडी करते हैं थर्ड पॉइंट है ऑल इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ अफेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इन शेयर्ड एनवायरमेंट तो कहीं ना कहीं जो एनवायरमेंट है वो शेयर्ड होता है ह्यूमन डेवलपमेंट होता है किसी भी कंट्री में वो उसके आसपास की कंट्रीज में इस तरह का इकोनॉमिक इकोनॉमिकवायरमेंट है उससे इफेक्ट होता है अगर प्रोग्रेस होती है तो ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर रीजन में एक साथ होती है प्रोग्रेस और अगर कुछ ट्रबल क्रिएट होता है तो हम देखते हैं कि पूरा का पूरा साउथ एशिया इफेक्ट होता है टेररिज्म से पूरा पूरा साउथ एशिया इफेक्ट होता है पॉवर्टी से तो ये शेयर्ड एन्वायरमेंट होता है जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट होता है तो इसलिए जरूरी है कंपेयर करना इंडिया को बाकी जो उसकी दो मेजर नेबर कंट्रीज है उनके साथ में यहाँ मैप में आप देख सकते हैं इंडिया को दिखाया है यहाँ पे मैप में और यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान है और यहाँ पे इसमें ये चाइना है तो इंडिया का बॉर्डर जो है इनसे दो कंट्रीज़ के साथ में हम शेयर करते हैं और ये दोनों ही बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं चाइना भी और पाकिस्तान भी तो इनकी हम बात करने वाले हैं यहाँ आप देख सकते हैं पाकिस्तान का बॉर्डर जो है ईरान के साथ अफगानिस्तान के साथ टच होता है तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान ये कई कंट्रीज़ हैं चाइना का बॉर्डर जो है इंडिया के साथ साथ नेपाल से भी टच होता है इधर म्यांमार से टच होता है ऊपर मंगोलिया से टच होता है तो ये नेबरिंग कंट्रीज़ है एग्जाम में यूजुअली वैसे कोई नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पूछता नहीं है पर फिर भी आपको नॉलेज हो तो अच्छी बात है फ्यूचर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हेल्प करता है तो चलिए कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं यानी आर्थिक और मानव विकास के जो कुछ सूचक हैं उनकी यहाँ पे हम तुलना करते हैं तीनों देशों के बारे में अगर हम बात करें पॉलिटिकल सिस्टम की तो जो तीन कंट्रीज़ हैं इनके पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग तरह के हैं इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया क्या है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी सबसे बड़ा लोकतंत्र मानते हैं भारत को और यहाँ उदार और धर्मनिरपेक्ष संविधान वाला सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही लिबरल है उदार है लोगों की जो स्वतंत्रता है वो धार्मिक हो चाहे वैचारिक स्वतंत्रता हो उसकी यहाँ पे बहुत छूट मिली हुई है इंडिया में और चाइना की अगर हम बात करें तो ये कमांड इकोनॉमी है यहाँ पे पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो कंट्रोल की जाती है एक ही पार्टी के द्वारा उसके जो हेड होते हैं वही पूरी कंट्री के हेड होते हैं तो यहाँ पर जो है लोकतंत्र की और थोड़ा सा बढ़े हैं चाइना वाले पिछले कुछ दशकों में पिछले एक दो दशक में थोड़ी सी इनके यहाँ पहल हुई है कि थोड़ा लोकतंत्र की ओर बढ़ा जाए परंतु अभी भी वो लार्जली क्या है एक कमान अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान में तो कभी मिलिट्री रूल आ जाता है कभी डेमोक्रेसी आ जाती है तो मिक्सचर चला है अगर सत्तर साल हुए हैं पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त करे हुए तो सत्तर में से पैंतीस साल तो वहाँ मिलिट्री रूल रहा होगा और 35 वर्ष वहाँ पे लोकतंत्र रहा होगा और जब लोकतंत्र होता है तो वहाँ लोकतांत्रिक जो निर्णय होते हैं उन पे भी कही कहीं ना कहीं मिलिट्री रूल का प्रभाव रहता है तो वहाँ की जो सरकारें रही हैं वो बहुत कम समय ऐसा रहा है कि जो वो स्वतंत्र सरकारें रही हों स्वतंत्र उनके निर्णय रहे हों कुछ आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं बहुत ही आधारभूत से आंकड़े हैं ये डेवलपमेंट पाथ की बात अगर हम करें जो भारत पाकिस्तान और चीन ये तीनों देश जो हैं लगभग एक ही समय में इनको स्वतंत्रता प्राप्त हुई भारत और पाकिस्तान दोनों ही 1947 में स्वतंत्र राष्ट्र बने अंग्रेजों ने जब भारत को आज़ाद किया तो भारत का पार्टीशन किया और पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उसका उदय हुआ चाइना जो है उसकी 1949 में इस्टेब्लिशमेंट हुई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से और माओ से सुंग जो थे उसके पहले प्रीमियर बने अगर हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें यानी कि फाइव ईयर्स प्लान्स के बारे में हम बात करें तो भारत का पहला फाइवर प्लान आया 1951 में चाइना का 1953 में और पाकिस्तान का 1956 में तो इससे आइडिया हमें मिलता है कि ऑलमोस्ट तीनों कंट्रीज जो हैं तीनों ने ही प्लैंड यानी नियोजित विकास का अपना एक उद्देश्य स्थापित किया और ये नियोजित विकास लगभग एक ही समय में प्रारंभ हुआ दो चार वर्षों का आगे पीछे रहा है तीनों देशों ने नियोजित विकास का रास्ता चुना लेकिन उसमें पाया कि जो आर्थिक समृद्धि दर है उसकी अपनी सीमाएं हो गई हैं बहुत ज्यादा अपेक्षित जो आर्थिक समृद्धि है वो प्राप्त नहीं हो पा रही है तो ऐसे में फिर आर्थिक सुधार को अपनाया गया तो भारत में ये थोड़ा विलंब से हुआ भारत से पहले चीन में ये उन्नीस में हुआ पाकिस्तान में उन्नीस में हुआ और भारत में ये उन्नीस में हुई आर्थिक सुधार इनके बारे में आप जो पिछली यूनिट्स हैं उनके माध्यम से पढ़ चुके हैं कि 1991 में इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी और उसमें इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए थे 1980 का जो दशक था उसके प्रारंभ तक तीनों जो कंट्रीज हैं इन तीनों ही कंट्रीज में लगभग एक जैसी इकोनॉमिक ग्रोथ थी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं था लेकिन क्योंकि चाइना में उन्नीस में आर्थिक सुधार कर दिए गए जबकि पाकिस्तान और भारत में ये करीब आठ से दस वर्ष लेट हुए तो उसका प्रभाव यह रहा कि चीन में आर्थिक समृद्धि जो है वो तेजी से होने लगी और इन दोनों देशों को चाइना ने पीछे छोड़ दिया तो बात करते हैं सबसे पहले चाइना की इंडिया के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं पिछली यूनिट्स में काफी डिटेल में पढ़ा हुआ होता है यहां मैं पाकिस्तान और चाइना के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा तो शुरू करते हैं चाइना के बारे में जिसको हम पूरा नाम कहते हैं द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कुछ मेजर फैक्ट्स हैं चाइना के बारे में कि चाइना जो है दुनिया में अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया वाइज़ तो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है ये वर्ल्ड में इससे बड़े सिर्फ रशिया और कनाडा दो ही कंट्रीज़ हैं एरिया जो है 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और पॉपुलेशन की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की है तो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है ये और दो हज़ार के आंकड़ों पर नज़र डालें तो वन थ्री जीरो थ्री मिलियन पीपल थे चाइना में इतनी पॉपुलेशन थी और इसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया का ही नंबर आता है पॉपुलेशन के टर्म्स में चाइना इंडिया से एरिया में काफ़ी बड़ा है लगभग तीन गुना है और पाकिस्तान से भी बहुत बड़ा है तो तीनों कंट्रीज़ में अगर हम बात करें सरफेस एरिया की तो चाइना का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है नंबर टू पे इंडिया है और फिर पाकिस्तान कंपेरेटिवली काफ़ी छोटा है दोनों कंट्रीज़ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो दो तीन पॉलिसीज हैं चाइना की जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं उसमें नंबर एक तो है ग्रेट लीव फॉरवर्ड जो उन्नीस में इन्होंने अपनाया है चाइना वालों ने चाइना के प्रीमियर थे माओ जिनका ये फोटो यहाँ पे इसमें दिखा रखा है आपको माओ से सुंग इनका पूरा नाम था तो ये पहले प्रीमियर थे यानी अध्यक्ष थे राष्ट्राध्यक्ष जिसको हम कहते हैं और उन्होंने ग्रेट लीव फॉरवर्ड का ये जो पूरा आंदोलन था इसको प्रारंभ किया इसका उद्देश्य था तेजी से औद्योगिकरण करना अर्थव्यवस्था का और साथ ही साथ कृषि अर्थव्यवस्था को आधुनिक अर्थव्यवस्था में बदलना यह भी उसका एक उद्देश्य था तो अर्थात अग्रेरियन इकोनॉमी थी पहले अग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कृषि को प्रधानता प्राप्त हो उसको एक आधुनिक अर्थव्यवस्था बनाना था मॉडर्न इकोनॉमी बनाना था इनका टारगेट तो इसके लिए इन्होंने ग्रेट ली फॉरवर्ड के तहत तीन बड़े कदम उठाए बल्कि दो ही बड़े कदम उठाए तीसरा तो उसका परिणाम या दुष्परिणाम कह सकते हैं वो हुआ इसमें पहला जो बड़ा कदम उठाया गया वो था कि पीपल वेज टू द बैक यार्ड्सार्ड यानी अपने घर के पिछले हिस्से में लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि हर व्यक्ति अपने घर के पिछले हिस्से में फैक्ट्री लगाए जहां कुछ वो मैन्युफैक्चरिंग करे उत्पादन करे वस्तुओं का और कम्यून्स को स्थापित किया गया कम्यून बेसिकली क्या है जो लैंड था जो भूमि थी खेती वाली उसको इकट्ठा किया गया और सामूहिक खेती प्रारंभ की गई कि सब लोग मिलके भूमि के टुकड़े पर खेती करेंगे वो भूमि का टुकड़ा किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा बल्कि सार्वजनिक होगा सरकार का होगा देश की संपत्ति होगी लोग उस पर खेती करेंगे और सबको अपने अपनी मेहनत का हिस्सा उसमें मिल जाएगा ये लेकिन जो प्रयोग था ये विफल रहा से सुंग का और इसका परिणाम ये हुआ कि चाइना में बड़ी तबाही हुई भयंकर सूखा आया जिसमें थर्टी मिलियन पीपल यानी कि तीन करोड़ लोगों की मौत हो गई तो ये बहुत ही खतरनाक परिणाम रहा इस प्रकार के जो प्रयोग किए गए माओसे सुंग के द्वारा उनका चाइना में कुछ रशियन इंजीनियर्स थे वो काम कर रहे थे चाइना में बाद में कुछ कारण रहे कि चाइना की और रशिया की कुछ अनबन हुई जिसकी वजह से रशिया के जो इंजीनियर्स जो चाइना में काम कर रहे थे वो भी वापस चले गए उसके भी कुछ परिणाम अभी हम देखेंगे तो दूसरी बड़ी जो पहल हुई माओसे सुंग के अध्यक्षता में वो थी ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन जिसे महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति कहते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो इनकी डेट्स याद करना बहुत जरूरी है वो 1958 में हुआ था जीएलएफ जिसे हम कहते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड और ये 1965 में हुआ है और ये 1966 से छिहत्तर तक लगभग 10 वर्ष तक ये चला बाद में माओ से सुंग की मृत्यु हो गई 1978 में तो उसके बाद में चाइना ने अपनी पॉलिसीज़ को काफ़ी हद तक बदल दिया यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स को तो जो छात्र थे और पेशेवर लोग थे उनको कहा कि आप गाँव की तरफ जाइए वहाँ अनुभव कीजिए वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है उससे कुछ सीखिए और वहाँ उसमें कुछ परिवर्तन भी लाइए वहाँ काम कीजिए लेकिन यह प्रयोग भी बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा था माओसे सुंग का बाद में चाइना को इसे भी ड्रॉप करना पड़ा था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए फिर बाद में उन्नीस में चाइना में तब तक माओसे सुंग की मृत्यु हो चुकी थी तो चाइना में काफी परिवर्तन किए गए आर्थिक नीतियों में ये दो फेज में किया गया 1978 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए पहला फेज जो था उसमें सुधार जो किए गए वो किए गए एग्रीकल्चर फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में यानी कि कृषि विदेशी व्यापार और निवेश में सुधार किए गए अगर हम कृषि की बात करें तो जो कम्यून लैंड सिस्टम जो बनाया गया था उन्नीस में उसको चेंज कर दिया गया उस कम्यून लैंड सिस्टम में यह था कि सारी जमीन इकट्ठी कर दी जाती थी और लोग उस पर सामूहिक रूप से खेती करते थे वो भूमि का टुकड़ा किसी एक का नहीं होता था उसमें लाभ हो या हानि हो वो किसी एक का नहीं होता था वो सामूहिक रूप से मिलता था तो उसमें कई बार गुणवत्ता नहीं होती थी लोग मन से कामना करते हो हो सकता है अनेक कारण हो उसमें तो अब वो भूमि के टुकड़े जो हैं वो बांट दिए कम्यून लैंड्स को क्या किया वो डिवाइड इनटू स्मॉल प्लॉट्स छोट छोटे छोटे प्लॉट्स में उसको डिवाइड कर दिया लोगों को दे दिया ऑनर नहीं बनाया उसका मालिक नहीं बनाया लोगों को लेकिन हाँ दे दिया कि आप खेती कर सकते हैं तो खेती करने के बाद इंडिविजुअल्स को क्या होगा उसमें कुछ वो टैक्स पे कर देंगे और टैक्स पे करने के बाद जो आय बचेगी वो उनकी अपनी होगी तो अब एक प्रोत्साहन हो गया किसानों के लिए कि जितनी ज्यादा वो मेहनत करेंगे जितनी ज्यादा वो उपज होगी तो टैक्स पे करने के बाद वो उपज उनके पास बच जाएगी जिसे वो मार्केट में बेच सकते हैं लाभ कमा सकते हैं तो अब किसानों के लिए एक कारण हो गया जिसके लिए वो मेहनत करें ज्यादा पहले से सेकेंड फेज में औद्योगिकरण पर बल दिया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसमें काफ़ी रिफॉर्म्स किए गए प्राइवेट सेक्टर फॉर्म्स जो थी उनको स्टेब्लिश किया गया पहले जो भी फॉर्म्स होती थी वो सारी की सारी सार्वजनिक क्षेत्र की होती थी लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर फॉर्म्स को भी अलाउ किया उसके अलावा टाउनशिप और विलेज एंटरप्राइजेस यानी लोकल कलेक्टिव्स तो गांव के सभी लोगों ने मिलकर के एक अपनी फर्म बना ली या छोटा कस्बा है उसके सभी लोगों ने मिलकर के एक फर्म बना ली और बना करके उन्होंने कुछ गुड्स को प्रोड्यूस करा और वो जो गुड्स हैं उनको मार्केट में बेचने के लिए वो रेडी रहे और गवर्नमेंट ने अलाउ भी कर दिया मार्केट में बेचा जाना साथ ही साथ एक और परिवर्तन भी किया गया कि स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेज जैसे भारत में होती है ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं पीएसई जिनको बोलते हैं इनके बारे में आपने काफी पढ़ा होगा जो फर्स्ट यूनिट थी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की उसमें तो ऐसे ही चाइना में भी थी स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेज इनको कॉम्पिटिशन के लिए ओपन कर दिया गया कि अब ऐसा नहीं है कि कुछ वस्तुएं है, ऐसी हैं जो सिर्फ वही उत्पादन करेंगे स्टेट ऑंड जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही उत्पादन करेंगे उसमें प्राइवेट सेक्टर भी प्रोड्यूस करेगा और दोनों का आपस में कंपटीशन होगा यह ओपन कर दिया गया सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए उसमें एक नया सिस्टम भी डेवलप किया गया चाइना की तरफ से वो था ड्यूअल प्राइसिंग का यानी दोहरी कीमत की, निर्धारण की एक प्रणाली लाए वो दोहरी कीमत का मतलब है कि दो तरह की कीमतें निर्धारित होंगी जब फार्मर हैं वो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो इकाइयाँ जो लगी थी उत्पादन के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी थी वो चाहे टाउन्स ने लगाई हो विलेजेस ने लगाई हो प्राइवेट एंटरप्राइजेज रही हो तो वे जो भी उत्पादन करेंगे उसमें सरकार ने निश्चित कर दिया कि एक फिक्स क्वान्टिटी होगी इनपुट्स की और आउटपुट की यानी आगत और निर्गतों की एक निश्चित मात्रा जो है वो निर्धारित कर दी सरकार ने जिसको सरकार के द्वारा जो निर्धारित कीमतें हैं उन्हीं पर ख़रीदा और बेचा जाएगा उसके बाद भी अगर किसी के पास और अतिरिक्त इनपुट या आउटपुट की बाइंग सेलिंग का कुछ नीड है एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा किसी को आगत चाहिए और या फिर एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा किसी के पास आउटपुट है निर्गत है तो वो उसकी ट्रेडिंग यानी उसकी ट्रांजेक्शन जो है उसका लेन देन वो बाजार कीमत पर कर सकते हैं तो ये छूट दे दी गई तो दो प्रकार की कीमतें हो गई यानी एक निश्चित मात्रा तक तो सरकार द्वारा निर्धारित कीमतें और उससे अतिरिक्त मात्रा अगर है तो उसमें बाजार द्वारा निर्धारित कीमतें ये ड्यूअल प्राइसिंग का है एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है आपसे कि ड्यूअल प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या था और उसमें क्या हुआ एक और बड़ा बदलाव जो किया गया वो था स्पेशल इकोनॉमिक जोन का चाइना में ये डिसाइड किया गया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है बेसिकली एक जियोग्राफिकल रीजन होता है भौगोलिक क्षेत्र होता है देश में कहीं भी हम उसको निर्धारित कर देते हैं जैसे भारत में अगर हम बात करें तो कांडला जो है वहाँ पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना था और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाइना से पहले बन गए थे तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसी भी शहर में किसी बंदरगाह के आसपास जहाँ ज़्यादा ट्रेडिंग व्यापार की संभावनाएं हो ऐसी जगह बनाया जाता है ताकि इसमें क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आ सके उसको बढ़ावा देने के लिए विदेशी विनिमय विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये बनाया जाता है तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है आर्थिक नीतियां जो होती हैं किसी भी देश की जो पूरे देश पर लागू होती हैं उनसे थोड़ी सी भिन्न आर्थिक नीति या आर्थिक कानून जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले एरिया में लागू होते हैं तो कुछ रियायत दी जाती है कुछ छूट दी जाती है कंपनीज को ताकि वे आकर्षित हों देश में आने के लिए तो ये चीन में स्थापित किए जाने लगे और ये काफी सफल रहे ये इस तरह के जो प्रयास थे चाइना के और ये जो उन्नीस में आर्थिक सुधार हुए इन्हीं के कारण चाइना की इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो बाद में बहुत फास्ट हुई और इंडिया और पाकिस्तान को इसने काफी पीछे छोड़ दिया बहुत शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं क्रोनोलॉजी जिसे हम कहते हैं यानी कि वर्ष दर वर्ष किस प्रकार की इनकी चेन है क्या क्या परिवर्तन इनमें आए तो चाइना को इंडिपेंडेंस मिली नाइनटीन में जब उन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्टेब्लिशमेंट की फिर फर्स्ट फाइव ईयर प्लान अगर हम देखें तो 1953 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड जिसे जीएलएफ भी कहेंगे शॉर्ट में 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 वो 1958 में, फिर 1965 ग्रेट कल्चरल और 1978 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो ये ईयर्स आपको याद रखने हैं इन पे वन मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं द फॉलोइंग वाले उस टाइप के भी आते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं ईयर्स एक एक नंबर के क्वेश्चन के लिए तो बहुत ज्यादा और अगर तीन नंबर का या उससे ज्यादा का कोई क्वेश्चन आ रहा है चार नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो फिर पूछ लेते हैं ग्रेटली फॉरवर्ड के बारे में बताएं ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में बताएं इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं फिर चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की जिसका पूरा नाम है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पी आर सी इसको हम बोल देते हैं ये तो आप जानते होंगे कि उन्नीस में ये एक पृथक राष्ट्र बना है भारत से अलग होके और ये धर्म के नाम पर अलग हुआ था देश हमसे तो इसलिए इस्लामिक रिपब्लिक इसका नाम रख दिया गया कुछ फैक्ट है, हैं तथ्य हैं पाकिस्तान के बारे में उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में भी इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम भारत जैसा ही है और पाकिस्तान की बहुत सारी आर्थिक नीतियाँ अभी आप पढ़ेंगे कि लगभग भारत जैसी ही थी पाकिस्तान जो है दुनिया का छठा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है हालांकि भारत और चीन की तुलना में इसकी आबादी बहुत कम है लगभग भारत की आबादी और चाइना की आबादी का लगभग दसवा हिस्सा इसमें रहता है तो 1971 में क्या हुआ कि पाकिस्तान में युद्ध हुआ और पाकिस्तान जो कि पहले दो हिस्सों में बटा हुआ था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान तो पूर्वी पाकिस्तान एक अलग देश बन गया जिसका नाम हो गया फिर बांग्लादेश तो उन्नीस में युद्ध हुआ था भारत के साथ पाकिस्तान का और उसके फलस्वरूप पाकिस्तान के दो हिस्से हुए और एक हिस्सा जो पूर्वी पाकिस्तान का था वो बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया पाकिस्तान के बारे में कुछ और तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं इम्पोर्ट सब्सटी की पॉलिसी पाकिस्तान ने भी अपनाई जैसे इंडिया ने अपनाई थी और इंडिया ने क्या करा कि ज्यादा जाद से ज्यादा जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनका देश के भीतर ही उत्पादन हो सके उसका प्रयास करा टैरिफ लगाने की कोशिश करी थी इंडिया ने तो ऐसे ही पाकिस्तान ने भी करा कि टैरिफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करा जो कंज्यूमर गुड्स हैं कि ज्यादा वस्तुएं जो है विदेश से इंपोर्ट ना करनी पड़े आयात ना करनी पड़े तो टैरिफ लगा दिया विदेशी वस्तुओं पर तो वो महंगी होंगी देश के भीतर तो फिर कम खरीदी जाएंगी तो पाकिस्तान ने भी ऐसी प्रयास करे और साथ ही साथ डायरेक्ट कंट्रोल भी किया इंपोर्ट के ऊपर क्वांटिटी जिसे कोटा सिस्टम था उस तरह का भी प्रयोग करा कि कितनी क्वांटिटी परचेज करी जा सकती है विदेशों से पाकिस्तान ने भी उस तरह के प्रयास करे कि इम्पोर्ट्स कम से कम हों उसके अलावा पाकिस्तान में भी ग्रीन रेवोल्यूशन आई नाइनटीन सिक्सटीज और सेवनटीज में जिसकी वजह से वहाँ मैकेनाइजेशन काफी हुआ सिंचाई की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और वहाँ पे भी फसलें जो हैं वो अच्छी उन्नत किस्म की होने लगी वहाँ का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था वो तेजी से बढ़ा उसके अलावा नाइनटीन में नेशनलाइजेशन का दौर आया वहाँ पे तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज जो थी यानी पूंजीगत जो उद्योग थे पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग जो थे उनका राष्ट्रीयकरण हुआ इसके अलावा पाकिस्तान के बहुत सारे लोग थे जो मिडल ईस्ट में यानी कि जो अरेबिक कंट्रीज हैं उस वाले हिस्से में काम के लिए गल्फ कंट्रीज जिसको हम बोल देते हैं उस हिस्से में काम के लिए गए तो वहां से बहुत सारा रेमिटेंसिस भेजते थे वो जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रेषनाए कहते हैं तो प्रेशनाएं जो है उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में उसको समृद्धि प्रदान करने में उसके अलावा फॉरन एड बहुत मिली पाकिस्तान को सेवेंटीज़ में और एटीज़ में जो पश्चिमी देश हैं वो बहुत सहायता करते थे पाकिस्तान की उसमें काफ़ी हद तक कारण ये भी था कि भारत के साथ बनती नहीं थी तो वो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करते थे तो उसका बड़ा योगदान रहा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में उसके अलावा ये भी है कि पाकिस्तान में उन्नीस में यानी भारत से तीन साल पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गए आर्थिक सुधार हो गए पाकिस्तान में फिर ये इंडिया में भी हुए तो इसका अनुमान लगा सकते हैं कि वो एक दौर था जब आर्थिक सुधारों पर बल दिया जा रहा था तो वो इंडिया में भी किए गए थे विवशता में किए गए थे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का काफी दबाव था इंडिया के ऊपर इसलिए किए गए थे इंडिया में तो ये पाकिस्तान के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं और ऐसे ही हम पाकिस्तान के बारे में भी एक क्रोनोलॉजी देख सकते हैं कि उन्नीस में इंडिपेंडेंस मिली स्वतंत्रता मिली फिर नेक्स्ट जो ईयर याद रखना है वो है उन्नीस जब पहला फाइव ईयर प्लान पाकिस्तान का आया 1970 का दशक जो था उसमें राष्ट्रीयकरण काफ़ी हुआ पूंजीगत वस्तुओं के जो उद्योग थे उनका और 70s एटीज में फिर नई नीति अपनाई पाकिस्तान ने यानी 1970 का जो दशक था उसके अंत में और 1980 के दशक में पाकिस्तान ने डी नेशनलाइजेशन किया यानी पहले राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था और फिर वे राष्ट्रीयकरण प्रारंभ हो गया तो प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया पाकिस्तान में और उन्नीस में पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए तो ये क्रोनोलॉजी है पाकिस्तान की ये महत्वपूर्ण वर्ष है जो याद रखने हैं आपको एग्जाम के लिए ऐसी एक क्रोनोलॉजी चलिए अब हम इंडिया के बारे में भी देख लेते हैं और 1947 में इंडिपेंडेंस 1951 में फाइव ईयर प्लान फर्स्ट नाइनटीन में उन्नीस में बेसिकली चौसठ पैंसठ के करीब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में शुरू हुई थी फिर 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ भारत में चौदह ऐसे बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था फिर 1980 में एक बार फिर छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इंडिया में और इंडिया के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं वो 1991 में हुए थे तो ये सब जो ईयर्स हैं इंपॉर्टेंट ये मैंने आपको बता दी है बेसिक स्ट्रक्चर जो है तीनों इकोनॉमीज का वो मैंने आपको बता दिया है तो आपने देख लिया कि इंडिया पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो लगभग यही जैसी रही चाइना की थोड़ी डिफरेंट रही है लेकिन 1980 तक लगभग तीनों इकोनॉमी की जो कंडीशन थी वो एक जैसी थी उसके बाद चेंजेस आए हैं जो इकोनॉमी ग्रोथ है इंडिया में भी हुई है लेकिन चाइना की ग्रोथ इंडिया से और ज्यादा फास्ट हुई है इसके बारे में जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस यूनिट का उसमें मैं आपको और बताऊंगा जो डाटा है बेसिकली उस पर है वो फोकस जो नेक्स्ट क्लास है डाटा कितना आपको याद करना है वो मैं आपको बताऊंगा कि सारा डाटा तो आप नहीं लर्न कर सकते लेकिन कुछ डाटा आपको लर्न करना भी होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो इस वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो वो चैट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं आपको आंसर कर सकूँ सब चीजों का तो बाय बाय टेक केयर